नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिंपली बताऊंगा कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से एंड्रॉयड में कैसे फुल HD थंबनेल बना सकते हैं अपने YouTube वीडियोस के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि थंबनेल क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, थंबनेल जो YouTube वीडियो के फ्रंट पर लगती है फ़ोटो, उसे कहते हैं, ठीक है। और आप सिंपली इस वीडियो में यही जानेंगे कैसे हम एक HD थंबनेल बना सकते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिंपली बताता हूं कि कैसे हम अपने YouTube चैनल वीडियो के लिए एक HD सा थंबनेल बना ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। यहां से आपको एक ऐप है, ठीक है, पिक्सल लैब, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, ये ऐप जो है मतलब बहुत ही अच्छा ऐप है, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको पैसे देने के बाद भी अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं, और ये एकदम फ्री ऐप है। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर ओपन करना है। तो जैसे ओपन किया मैंने तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इधर, यहाँ पे नीचे 4-5 ऑप्शन है, ठीक है। ए लिखा है तो यहाँ से आप कोई टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कैसे थंबनेल बनाना है। उसके बगल यहाँ से आप देखिए स्टिकर भी दे सकते हो, इम्पोर्ट भी, ठीक है। तो सबसे आप पहले आपको बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो है यहाँ से हमें इमेज साइज दिख रहा है, इस पर क्लिक करके और फिर यहाँ पे इमेज को आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, और ओके। तो थंबनेल पर यूट्यूब थंबनेल हमने कर दिया, ओके कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा यूट्यूब के थंबनेल का साइज आ गया है जो कि 16:9 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड लेना चाहें कलर से, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लेने के लिए क्या करना है आपको, ये जो दिख रहा है इधर आपको 4 ऑप्शन है, तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है नीचे वहाँ पे आना है, और फिर यहाँ पे कलर दिख रहा है, तो कलर पे आने के बाद यहाँ से आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई कलर नहीं सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे लिखा है न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने बनाया, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये थंबनेल मैंने बनाया है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। आपको दिखा भी होगा ये पे, तभी आपने इस पर क्लिक किया है, ठीक है। तो अभी हम इस थंबनेल के अकॉर्डिंग बनाएंगे अपना पूरा थंबनेल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आप देखिए मैंने इसमें एक स्क्रीनशॉट लिया है, तो आपको भी जो भी फोटो ऐड करना होगा उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं मेक HD, अलग अलग लिखना पड़ेगा ताकि आपको अलग अलग ऐड कर सकें, ठीक है। मेक H और D लिख दिया हमने और फिर इसको ओके कर दिया। अब देखिए ट्रिक, देखिए यहाँ पे आपको जहाँ A दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद ये मेक HD जो है उस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है उसको आप एडिट कर सकते हो। तो वैसे तो मैं आपको सिंपली एक एक चीज़ें बताता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आ जाना है, ठीक है। लास्ट में उल्टा हम एडिटिंग करेंगे जो कि थोड़ी ईजी रहती है, आइडेंटिफाइड होती है। तो यहाँ लास्ट में आएंगे तो फिर ऐसे स्क्रॉल करते करते यहाँ पे स्ट्रोक दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे, इनेबल किया और यहाँ से स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देंगे, और ये इस ऐप का सबसे खास फीचर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है, बी लिखा है, स्टाइल लिखा है, तो बोल्ड से हम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अब आते हैं फॉन्ट पे, तो इसका फॉन्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप जो भी चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इसका ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इधर आते हैं हम ओपेसिटी कलर, तो कलर हम दे देते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने इस फोटो में आप देखिए मैंने दिया है कलर, तो ऐसे ही हम येलो कलर इसमें भी दे देते हैं, ठीक है। अब ये आपको चूज करना है कि आपको कौन सा कलर देना है, वैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है ऊपर, उस पर क्लिक कर देंगे, और फिर उसके बगल दिख रहा है डुप्लीकेट का, ठीक है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। अभी आ गया हमारा एक और, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर इस पर हम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेक HD लिखा है और फिर थंबनेल, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे थंबनेल, ठीक है। आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है, सिंपली लिख देना है, और फिर लिख दिया मैंने थंबनेल, ओके कर दिया, ठीक है। अभी हमारा दूसरा आ गया, और फिर अब हम इसी पे करके पेंसिल पे करके डुप्लीकेट कर लेंगे, और इससे क्या होगा, आपके जो फॉन्ट रहेंगे वो सेम रहेंगे। और अब हम अगला करते हैं स्टेप, ऑन मोबाइल, ठीक है। आप देखिए लिख देता हूँ मैं ऑन मोबाइल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये हमने लिख दिया। अभी हमारी एक तैयार हो गई, ठीक है, फ़ोटो मतलब एक बेस तैयार हो गया थंबनेल का, ठीक है, और ये हमने सेट कर दिया सारे मेक HD थंबनेल ऑन मोबाइल,
ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, ठीक है, अगला स्टेप क्या है, हमें यहाँ पे फोटो को इंसर्ट करना है। जैसे आप इस थंबनेल में देख सकते हैं मैंने फोटो लगा दिया है एक, ठीक है, और फिर एरो इंडिकेट कर दिया है। तो फिर अगला स्टेप हम यहाँ से एरो कैसे इसमें फोटो लाएंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप पूरा देखिएगा तभी समझेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है तीसरा वाला जो ऑप्शन है इस पर आना है और यहाँ पे इंपोर्ट लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपकी गैलरी खुल जाएगी, ठीक है। तो आप और फिर आपको सिंपली गैलरी से ये मैंने स्क्रीनशॉट था, ठीक है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने पूरा नहीं किया। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा नीचे क्रॉप कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं और इसको यहाँ तक कर देते हैं और फिर ये राइट का टिक लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको एक अच्छे तरीके से प्लेस कर देंगे इस तरह, ताकि ये हमें दिखे भी और यहाँ से अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसको खींच भी सकते हैं और इस तरह ये हमें दिखेगा क्लियरली, ठीक है। अब देखो ऐसा इतना हम लोगों को करना है, उसके बाद इसको हमें साइज़ इसकी सेट कर देनी है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं और अब आते हैं इसके कलर पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या आप देख सकते हैं ये थंबनेल, इसी तरह मैं आपको सिंपली पूरा बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं कि पीछे का ये कलर कैसे लगाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको कलर को लगाना है। पहले इसको हमने सेट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा। आपको ये सब अपने आइडिया के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। और अब देखिए मेक HD थंबनेल, तो पहले हम मेक HD के स्टेप पर आते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा, और इसके बाद आपको ये देखिए टेस्ट वाला जगह दूसरे पे है इसको क्लिक कर देना है और सबसे अंत में जाना है और पीछे से स्क्रॉलिंग करते हुए आना है और यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट बैकग्राउंड, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करना है, ठीक है, इनेबल कर दिया हमने। अब यहाँ से इनेबल करने के बाद ये दिख रहा है पैडिंग, तो इसको हम इंक्रीज कर देते हैं इधर पूरा और इधर पूरा, ठीक है, ये हो गया। टॉप पैडिंग भी कर देते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसके पीछे का बॉटम भी अगर नीचे बढ़ाना हो तो नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कलर पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा कलर लिया था आप देख सकते हैं पीछे, वही कलर हम यहाँ पे भी लेंगे। ये आ गया हमारा कलर, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब आप देख सकते हो हम थोड़ी इस इमेज को और इधर कर देते हैं ताकि ये जो उस साइड थोड़ा छूटा रह गया वो फिल हो जाए। तो ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। अब आ जाते हैं थंबनेल पे, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। इस पर भी सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, इनेबल कर देना है और फिर यहाँ का कलर देख लेना है। हमने ऑरेंज कलर लिया, तो अभी देख सकते हो आप हमने ये कलर लिया ऑरेंज, और उसके बाद इसको सिंपली टेक्स्ट बैकग्राउंड पर आके और फिर इसका कलर जो था इसके पीछे का बैकग्राउंड हम सेट कर दे, सेट हो गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, लेफ्ट पैडिंग ये लेफ्ट की तरफ इंक्रीज कर देगा, राइट पैडिंग राइट की तरफ, और ये हो गया टॉप पैडिंग, तो करनी नहीं है, बॉटम में नीचे लाना चाहे कर दीजिए, वैसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर आते हैं मोबाइल पे, ऑन मोबाइल दिख रहा होगा आपको, इस पर कौन सा कलर है आप देख सकते हैं, ऑन मोबाइल के पीछे ऑरेंज कलर है, तो हम टेक्स्ट ब्राउन पे जाके बैकग्राउंड पे ऑन करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऑरेंज कलर, ठीक है। आप चाहें तो कलर को जनरेट भी कर सकते हैं यहाँ से, अब जैसे मैंने ये ऑरेंज लिया तो आप यहाँ से सिंपली इसको जनरेट भी कर सकते हैं, थोड़ा डार्क हो गया और देखिए कलर जो है वो आ गया, या यही कलर है, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, इतना डार्क हो गया अब देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बैकग्राउंड पर ही रहकर लेफ्ट पैडिंग इसकी इंक्रीज कर देते हैं, राइट कर देते हैं, थोड़ी सी टॉप कर देते हैं और बॉटम वैसे करना चाहें तो कर लेते हैं। ये हो गया थंबनेल ऑन मोबाइल। अब देखिए हमने एक चीज़ इसमें अभी छोड़ दिया है, वो क्या है, इन तीनों के कलर सेम है, तो यहाँ पे हमने कलर पहले का येलो रखा है, ठीक है, दूसरे का ग्रीन रखा है, तो हमें दूसरे का कलर टेक्स्ट वाले पे ही रह के कलर को आना है और ये हो गया दूसरे का ग्रीन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और तीसरे का है ऑन मोबाइल, तो जो पहला कलर हमने बैकग्राउंड रखा था वो तीसरे का कलर है ओरिजिनली, तो ये हो गया कलर, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। अब जैसे अगर आप इस तरह लग रहा है कि मिक्स हो गया है, तो अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बैकग्राउंड पे जाके इसका जो बैकग्राउंड कलर है चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे अगले स्टेप पे, ठीक है, अगला स्टेप क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, अपने इस तीसरे उस पे जाना है, यहाँ पे इम्पोर्ट लिखा है, तो इम्पोर्ट पे आने के बाद आपको डाउनलोड करना है क्या, एरो, ठीक है, एरो की अगर आप कहेंगे तो लिंक मैं दे दूँगा, आपको सिंपली वो एरो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वो एरो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर,
ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि लोग देखें, क्योंकि इसको देखेंगे वो तो फिर सोचेंगे हाँ इसी तरह करना है, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये एरो लग गया। अब यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट लेना है, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पे प्लस वाला दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट लेना है। और जैसे मैंने लिखना है कि देखिए मैंने लिखा इसमें फ़ोटो पर अपना नाम भी लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप इसीलिए इस वीडियो पे आए होंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोटो पर अपना नाम भी लिख लिख लोगे, ठीक है। हमने ये लिखा। और अब इसको क्या करना है, ओके कर देना है और सिंपली यहाँ पे ऐसे रख देना है, ठीक है। अब फिर टेक्स्ट वाले पे आना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबसे इधर पीछे जाना है, अलाइन दिख रहा है उस पर क्लिक करके बीच वाला कर देना है, तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप फोटो पर अपना नाम अलग हो गया और नाम भी लिख लोगे ये अलग हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके टेक्स्ट बैकग्राउंड पे ऑन कर देते हैं। तो जैसे हमने ऑन किया, अब इसके बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करना है, तो इसका बैकग्राउंड कलर इस फोटो में ये हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी यही सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। और फिर इधर आते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको इनेबल कर लेना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। फोटो पर अपना नाम भी लिख लोगे और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कर दे देना, थोड़ा छोटा कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ए बी फॉन्ट दिख रहा है उस पर क्लिक करके और इसको भी थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और अब आपको देखते हैं, इसमें हमने कलर इसका नीला रखा, तो यहाँ पे भी कलर नीला रख देते हैं। तो ये हमने सेट कर दिया इसका कलर, ठीक है। देख सकते हैं आप कलर, आप चाहें तो थोड़ा सा डार्क कलर भी इसका सेट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इस तरह हम सिंपली इसका कलर सेट कर सकते हैं और फिर हम इसके टेक्स्ट बैकग्राउंड पे जाके इसकी जो विथ है उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट पैडिंग बढ़ गई, राइट पैडिंग बढ़ गई और फिर टॉप पैडिंग करनी नहीं है, बॉटम पैडिंग कर देते हैं। तो ये हो गया, तो ये हो गया हम लोगों का फोटो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद सिंपली क्या करना है, ये देखिए ऊपर ढक गया, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और फिर ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो पर अपना नाम, इसको सबसे नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया नीचे, ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपली अब हमारा थंबनेल तैयार हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है सेव बटन, तो सेव पर क्लिक करना है और फिर लिखा सेव एज इमेज, तो सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। और यहाँ डायमेंशंस है, तो लिख देते हैं कस्टम, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा, तो हम अल्ट्रा कर देंगे। और अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी कर देते हैं। तो सेव टू गैलरी करने के बाद ये आपको ऐसे ही एक ऐड दिखाएगा और अब ये जो फ़ोटो है हमारी गैलरी में आ चुकी है, ठीक। तो अभी आप देख सकते हो मैंने तुरंत फ़ोटो बनाई 12:58, ऊपर टाइम भी देख सकते हो, तो ये फ़ोटो अभी मैंने तुरंत आपके सामने बना दी है। तो इसी तरह आप सिंपली एक बना सकते हो बढ़िया सा थंबनेल। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी लेकिन आपको पूरा पता लगेगा कैसे एक थंबनेल अच्छा सा बनाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएँ कि वीडियो कैसी लगी।